कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में गुस्से से तमतमा गए खड़गे। पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। मोदी ने तो इतने गलत लफ्ज गांधी फैमिली के खिलाफ किया, दूसरों कांग्रेस के खिलाफ किया, और वो आदमी खुद उसको तो डिफेमेशन केस में डालकर अब तक शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े लिबरल है कि बोले चलो एक आदमी बोलता है तो उसको इग्नोर करो। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर हम अगर अगर ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? आपको तो नहीं बोले, वो आपका नाम लेकर नहीं बोले, उन्होंने जनरली बात किया। ऐसे भगोड़े हमारे देश में हैं जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं, LIC का पैसा लूट रहे हैं, छोटे मोटे लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, LIC के लिए जो अपना पैसे भरते हैं अपने जीवन के लिए, वो पैसा किसी को आप दे रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो, वो लूटना बंद करो, ये राहुल जी कहते थे। लेकिन इनको, उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए ये पसंद इसलिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको लगती है बात। अरे भाई, अगर आप देशभक्त हो, देश के लिए इतना आपके पास बहुत, उसके बारे में आप बहुत ही चिंता करते हो, तो ऐसे लोगों को क्यों शिक्षा नहीं देते हैं जो पैसे बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो इंसान काम करता है उसको आप जेल भेजते हो, और जो लूटता है उसको बाहर भेजते हो।